इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अपनी माँ गंवा दी, और जितना मतलब जो टाइम मुझे अपनी माँ को देना चाहिए था वो सारा टाइम मैंने अपने मुल्क को दिया, अपने डिपार्टमेंट को दिया, जिस जगह मुझे मेरी माँ को मेरी जरूरत थी। तो उस वक्त में मैं अपनी माँ को घर में अकेला छोड़ के मैं ड्यूटी पे जाती थी। तो ये चीज जो है वो शायद कभी इस कमी को कोई पूरा ना कर सके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी माँ शायद पाकिस्तान की कई माओं को बचाने के लिए गवाया। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि मेरी माँ उस जहान में जरूर अच्छी रही होंगी, क्योंकि मेरी माँ अगर ना होती तो शायद पाकिस्तान को राफिया ना मिलती। इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अपनी माँ गवा दी, और जितना मतलब जो टाइम मुझे अपनी माँ को देना चाहिए था वो सारा टाइम मैंने अपने मुल्क को दिया, अपने डिपार्टमेंट को दिया, जिस जगह मुझे मेरी माँ को मेरी जरूरत थी। तो उस वक्त में मैं अपनी माँ को घर में अकेला छोड़ के मैं ड्यूटी पे जाती थी। तो ये चीज जो है वो शायद कभी इस कमी को कोई पूरा ना कर सके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी माँ शायद पाकिस्तान की कई माओं को बचाने के लिए गवाया। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि मेरी माँ उस जहान में जरूर अच्छी रही होंगी, क्योंकि मेरी माँ अगर ना होती तो शायद पाकिस्तान को राफिया ना मिलती।